बहुत परेशान है लोग, रास्ते में से गाड़ी ना डाले भाई। 76 अकाली स्कॉर्पियो है वो तो जान रहा होगा, जो नंबर बता रहे हैं तो मेहरबानी करके भाई रास्ते में से गाड़ी में सभी भाई हटा ले, रास्ता ब्लॉक कर रहा क्या है। आइए कभी किसी की सगी नहीं होती, और ये बिल्कुल सच्ची बात लिखी है कवि ने। आपने कहीं इतिहासों में पढ़ा होगा कि मौसियों ने कैसे कैसे खेल खिलाए हैं, वो बिल्कुल सच्ची बात है। मौसी कभी किसी की सगी हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात में कैसे क्या लिखा सुनेगा। दोनों नीचे गेरे दिए पेट की दो फाड़ करके, चिड़े की ना पार बसाई रोया निचिनाड़ करके, वो चिड़े की ना पार बसाई रोया निचिनाड़ करके। धरे कैसी लहरे दा रद की दड़े में बैठा चिड़ारे चिड़ी की जड़े में, धर के सिलारे रथ की धड़े में बैठा चिड़ारे चिड़ी की जड़े में। हो रे बच्चे करे ते विलाप पहुँचे गए परमादनीय वेदपाल अधाना जी, भाजपा नेता, वो भी 500 रुपए सम्मान करते हैं, बार बधान करते हैं वेदपाल जी का। आइए साथ क्या बताया। और मेहरबानो, रानी रूपमती इस सारी घटना को देख रही थी अपने कमरे में पड़ी हुई, और रानी रूपमती के मन में ख्याल आता है कि मैं भी काफी बीमार हूँ और मेरे भी छोटे छोटे दो बच्चे हैं रूप और बसंत, कल को ऐसा ना हो कि मैं भी मर जाऊं और राजा दूसरी शादी कर ले, जैसे उस चिड़िया ने उस पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को आते ही मार डाला। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ में भी ऐसा ही हो, और अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लेती है, कैसे उन्हें निहारती है, कैसे पुचकारती है, क्या बताया। हेरे मौसी बेटे खाने जीते जागते सपोत देखे, आँखों के माँ पानी भर के
अपने पूत देखे आंखों के बीमारी भरते दोनों अपने पूत देखे देखे जीव सा भी दुख भरे ते औरत के फन दे जो फंसे ते देखे जीव सा भी दुख भरे ते औरत के फन दे जो फंसे ते परमादनीय सौमक और भाई राजेश जी कोटा निवासी पांच पांच रुपए सम्मान करते हैं बार बार करते हैं और न्यू कह रहे पर रिश्तेदार सूरज तक कहते हैं अपनी आवाज सही कर लेगा। आइए साथियों क्या बताया और रानी रूपमती अपनी बांदी को अपने पास बुलाती है एक बात कहती है कि बांदी जा महल में और राजा को मेरे पास बुला के लेके आ। राजा को अपने पास बुला लिया सारी उस घटना को बता दिया और न्यू कहने लगी कि महाराज मेरे जाने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करना। इतना कहते कहते रानी स्वर्ग सिधार जाती है और कैसे चौथी बात में तोड़ कर दिया क्या लिखा कहानी कह के दिल का मिटाया घाव रानी ने दम तोड़ दिया सुरग में जठे के पावे ओ रानी ने दम तोड़ दिया सुरग में जठे के पावे राव क्रिया लगे करण लास की तुक बंदी और शरण दास की रावे किया लगे एक करण दास की तुक बंदी गुरु शरण दास की हो रे गलती करे नामा पैधरा के उन्होंने टैग कैसे